ऑन कर दी थी मैंने तो कब। सभी को मेरा नमस्कार। विश्वायुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस ज्ञान यज्ञ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबको विदित है कि हम ये व्याख्यान माला अनेक श्रेष्ठ वैद्यों के निर्माण करने के लिए करते हैं और जिसके लिए हम बहुत सारे स्पीकर्स के माध्यम से क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत अच्छी सूचनाएं जारी हो सके, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके, इस तरीके से हम इसको आयोजित करते हैं। और इसके तहत आज हम 11 अगस्त को एक नया व्याख्यान लेकर आपके सामने उपस्थित है। आज के स्पीकर का सबसे पहले मैं आपके सामने परिचय रखना चाहूंगी और इसके बाद हम आज के व्याख्यान को सुनेंगे। और खासकर आज के व्याख्यान के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बार जब हम सिर्फ औषध की कल्पना यानी युक्ति वपाशी चिकित्सा के ऊपर ही इम्फेसिस करते हैं, ध्यान देते हैं और काफी अच्छा हमें मंथन करना पड़ता है कि क्यों इसमें इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर मैंने अपनी क्लिनिकल लाइन में क्लिनिकल लाइफ में देखा कि हम जब उनके लाइफस्टाइल के ऊपर जाते हैं, उनके खान पान को सुधारते हैं और उसको सहृदयता से के वो साथ वो अपनाते हैं तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगी कि आज का व्याख्यान आत्मसात करने की कोशिश करे कि जिनके माध्यम से वो फिर अपने बहुत सारे रुग्णों को चिकित्सा के रूप में एक अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर सके, है ना। आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द दिनचर्या इन टुडेज लाइफस्टाइल। आज के स्पीकर है डॉक्टर महेश इंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ द संस्कृत एंड योगा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज सीकर, राजस्थान में अभी वर्तमान समय में आप कार्यरत है। आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई जोधपुर DSRIU से आपने पूरी की। NIA डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में संस्कृत एवं योगा विभाग से आपने अपना MBA पूरा किया है। अभी वर्तमान समय में आप PhD परस्यू कर रहे हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी से, जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से। आपने रेसिडेंशियल योगा कोर्स ABP ऋषिकेश से किया हुआ है। इसके सिवा आपने मास्टर एंड डिप्लोमा इन एक्यू प्रेशर एंड नेचुरल थेरापी SACSS जयपुर से आपने किया हुआ है। और इसके साथ योगा का एक और सर्टिफिकेट कोर्स YCW लेवल 3 प्रोफेशनल योगा टीचर एंड इवेल्युएटर आपने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया योगा सर्टिफिकेट बोर्ड से ये कोर्स किया हुआ है। और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इससे पूर्व पहले आप मेडिकल ऑफिसर एट गवर्नमेंट आयुर्वेद डिस्पेंसरी सीकर में आपने 2016 से 18 काम किया। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर PG डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एवं योगा
एट डॉक्टर एस आर आयुर्वेद राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में आपने 18 से 2021 तक काम किया और उसके बाद वर्तमान समय में आप जैसे मैंने पूर्व में बताया सीकर में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में अभी आप 2021 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आपका 5.5 इयर्स का यूजी एंड पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस है। रिसर्च में आपने 3 स्कॉलर्स की पीजी एज को सुपरवाइजर पूरी करवाई है और 7 स्कॉलर्स अभी भी आपके अंडर में अपना अपना डिसर्टेशन का मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 5 बुक्स में आपने एज ऑथर आपने अपना योगदान दिया हुआ है जिसमें है उचित आहार विहार विधि पब्लिश्ड बाय द आरोग्य भारती जोधपुर, योग श्लोक संग्रह इट इज आल्सो पब्लिश्ड बाय आयुर्वेद संस्कृत हिंदी पुस्तक भंडार जयपुर, योग अमृता पब्लिश्ड बाय DSRRAU जोधपुर और एक विश्वविद्यालय परिषद का पब्लिश सोवियर में भी आपका एज अ ऑथर आपकी कंट्रीब्यूशन है। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी अपने सहकारिता दी है पब्लिश्ड बाय DSRAU जोधपुर से। इसके सिवाय मैं देख रही थी आपने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में एज अ पेपर प्रेजेंटर एजुकेशन कोऑर्डिनेटर एज अ चीफ गेस्ट एज अ पेपर प्रेजेंटर एज अ को चेयरपर्सन ओरल प्रेजेंटर एज अ एक्सपर्ट एज अ स्पीकर एज अ कीनोट स्पीकर ऑल्सो और बहुत सारे नेशनल सेमिनार्स में भी आपने एज अ ऑर्गेनाइजर एज अ एक्सपर्ट और एज अ रिसोर्स पर्सन आपने अपनी सहभागिता बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में दी है। पीयर-रिव्यूड आर्टिकल्स आपके नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे हुए हैं 13 और इसके सिवाय अवार्ड्स भी आपको बहुत सारी जगह से मिले हुए जिसमें से मैं कुछ का यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी कि श्रेष्ठ योग शिक्षक सम्मान 2019 योग की उत्थान पीठ न्यू दिल्ली से मिला हुआ है। लॉन्गेस्ट मास वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द डिफरेंट 108 योगा पोस्चर में 2019 में जयपुर से आपका उसमें नाम दर्ज है। अखिल सम्मान 2019 आपको उज्जैन से ऑल इंडिया सेरेमनी ऑफ द फेलिसिटेशन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा मिला हुआ है। जागरूक भारतीय गौरव सम्मान 2019 में न्यू दिल्ली से यूथ वर्ल्ड सोशल मंच से आपको मिला हुआ है और भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी संस्था की तरफ से आपको भारतीय अटल गौरव सम्मान 2019 में आपने प्राप्त किया हुआ है। इसके सिवाय बहुत सारे सर्टिफिकेट्स उसमें कोर्सेज में भी आपने अप्रिशिएशन और ये सब बहुत सारी कंट्रीब्यूशन के लिए आपको सम्मानित किया गया है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी सहभागिता रहती है जिसमें आप पीयर रिव्यूड उसमें एज अ रेफरी एंड रिव्यूअर भी आपकी कंट्रीब्यूशन रहती है और मैं चाहूंगी कि कम्युनिटी वर्क में भी आपका बहुत अच्छा मेडिकल चेकअप्स हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स योगा कैंप्स ऐसे भी आप में बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी जगह आपका कंट्रीब्यूशन रहता है और बहुत सारी ऐसी उपलब्धि है जो मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। एक बहुत अच्छी बात कि आपका एक यूट्यूब चैनल है हितायु आयुर्वेदा, तो मैं समझती हूँ कि आयुर्वेद के उत्थान के लिए आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति अपने जीवन में सर्वांगीण रूप से बहुत सारे एस्पेक्ट से जहां जहां भी सकारात्मकता से कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इस तरीके से आपने बहुत सारे पक्षों को इंक्लूड करके लेने की कोशिश की है। ऐसे विद्वान स्पीकर को मैं अपने मंच पर आज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द दिनचर्या टुडेज लाइफस्टाइल को प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत दर्शा ओवर टू यू डॉक्टर इंदिरा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको और गुरु जी को सादर प्रणाम। अन्य जो भी गुरु जी यहाँ पर जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम और मेरे साथी और जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको भी यथायोग्य अभिवादन। विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से ये जो स्टडी सर्कल का कार्यक्रम डॉक्टर हेतल दवे मैडम के द्वारा जो चलाया जा रहा है बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये 2015 में शुरू हुआ था और उस समय मैं भी इस कार्यक्रम का साक्षी था क्योंकि इस समय मैं एक स्नातकोत्तर अध्येता था।
और आज अनवरत रूप से चलते हुए ये 411वां लेक्चर वहां में जा रहा है, तो इसके लिए मैडम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम को आगे शुरू करते हैं अपन। मैडम स्लाइड विजिबल है? हाँ जी सर। आज का जो अपना विषय है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिनचर्या इन टुडेज लाइफस्टाइल। जैसा कि अपन सब देखते हैं कि आज जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो अपनी डेली जो रूटीन लाइफ है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, और उसी की वजह से आज अपन विभिन्न प्रकार के गंभीर रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो अपने डेली रूटीन से, दिनचर्या से होती है। तो मैं नेक्स्ट गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है, आज तक के मेरे सभी गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करते हुए अपना व्याख्यान प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं जिस फैटर्निटी से अपन जुड़े हुए हैं, जिस पैथी से अपन जुड़े हुए हैं, उस पैथी का उद्देश्य क्या है, किस डॉक्टर इंदिरा ये फर्स्ट स्लाइड ही डिस्प्ले हो रही है, शायद सेकंड थर्ड होनी चाहिए, देखिए थोड़ा। जी मैडम एक मिनट। हाँ जी हो गई, बस हो गई, अब ठीक है। हाँ जी मैडम चेंज हो रही क्या? हाँ जी चेंज है, थर्ड नंबर डिस्प्ले हो रहा है अभी, फोर्थ नंबर। ठीक है मैडम, ओके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई जिस फैटर्निटी से अपन जुड़े हुए हैं, जिस पैथी से अपन जुड़े हुए हैं, जिस पैथी के लिए अपन काम कर रहे हैं, उस पैथी का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए उस पैथी का निर्माण हुआ, उस पैथी की स्थापना हुई। तो अपन बात करते हैं आयुर्वेदा का जो सबसे पहले जो उद्देश्य बताया गया है, जो प्रयोजन बताया गया है वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आदर से विकार प्रशमन। तो इसमें दो उद्देश्य अपने पास बताए गए, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण और आदर से विकार प्रशमन। तो अपना जो मुख्य बात होगी वो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के बात होगी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, देन आतुर व्यक्ति व्यक्ति आतुर हो ही नहीं। तो इसलिए ये पहला उद्देश्य है, और पहला उद्देश्य अपन को ये भी बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर अपन किसी चीज से बचाव करना चाहते हैं कि तो बहुत इजी है, बजाय इसको क्योर करना है। तो देन अपना टॉपिक आता है कि दिनचर्या। तो दिनचर्या क्या है? दिनचर्या अपन सभी लोग पढ़ते भी आए हैं, और दिनचर्या के बारे में अपन को सब कुछ थ्योरेटिकली बेसिक अपन को सब ध्यान में है, बुक्स में क्या दिया हुआ है, शास्त्र में क्या। फिर मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा कि प्रतिदिन कर्तव्यचर्या दिनचर्या, प्रतिदिन करने वाले जो भी आचरण है, जो भी आचार है, जो विचार है, जो व्यवहार है, जो भी कुछ अपन डेली रूटीन में प्रतिदिन करते हैं वो अपनी दिनचर्या है। जो अपने लिए हेल्पफुल है, जो अपने लिए लाभदायक है, जो अपने लिए हितकारी है वो दिनचर्या है, नहीं कि इसे अपोजिट की अपन बात कर रहे हैं। जो अपने लिए हितकारी नहीं है वो अपनी दिनचर्या नहीं है, और जिसको रूटीनली अपन कर रहे हैं प्रतिदिन जिसको अपन कर रहे हैं वो दिनचर्या है। तो दिनचर्या के भी कुछ बिंदु हैं, एक एक करके हम बिंदुओं पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो बिंदु आता है वो है ब्रह्म मुहूर्त जागरण। ब्रह्म मुहूर्त जागरण आपने सबको पता है कि क्या होता है, तो थोड़ा सा अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थौ रक्षार्थम आयुषः। तो आचार्य ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, किसके लिए, रक्षार्थम आयु से, मतलब आयु की रक्षा के लिए उसको ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। और ये एक सामने आपको लाइन लिखी हुई दिख रही है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मैक्सिमम पर्सन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। तो ये बिल्कुल स्पष्ट आचार्य ने लिखा हुआ है कि व्यक्ति को अपने आयु की रक्षा के लिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है इस पे हम बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आचार्य ने लिखा है कि रात्रि का, रात्रि के मुहूर्त बताए गए हैं, रात्रि में 15 मुहूर्त रात्रि के बताए हैं, 15 मुहूर्त दिन में बताए गए हैं। तो रात्रि का जो चतुर्दश मुहूर्त है, जो 14वां मुहूर्त है, वो
ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, इसलिए अपन को उस ब्रह्म मुहूर्त में सैया का त्याग करना चाहिए। उसके बाद में भी आचार्य ने थोड़ा सा और स्पष्ट उल्लेख किया है कि ब्रह्म मुहूर्त है उत्तिष्ठेत जीना जीर्ण निरूपयम्। ब्रह्म मुहूर्त में आपको सैया का त्याग करना है, आपको जगना है, लेकिन उसमें भी आपको जीर्ण और अजीर्ण का मतलब भोजन का पाचन हुआ है या नहीं हुआ है उसका भी विचार करना है। हो सकता है आपने किसी रात्रि को गरिष्ठ भोजन का आपने सेवन किया हो या रात्रि में आपने लेट नाइट आपने निद्रा ली हो तो आप प्रॉपर रूप से आपका जो भोजन है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ हो, तो उस स्थिति में आपको विचार करने के बाद में ही आपको सैया का त्याग करना है। तो ये आपको आचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है, तो आपको ये समय का पता लग गया। लगभग अगर बात करें तो 1 घंटा 24 मिनट पूर्व का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो प्रतिदिन सूर्योदय अलग अलग होता है, तो एक ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो भी अगर अपन बात करेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। लगभग अपन बात करेंगे प्रैक्टिकली रूप से तो 4:30 बजे के बाद का जो समय है वो एक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, भाई क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ऐसा क्या होता है कि जो लाभ अपन को प्राप्त होते हैं वो कौन से लाभ। तो सबसे पहले है कि टाइम ऑफ ब्रह्मा, ये अपन को पता है कि ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान नॉलेज। तो ये जो समय होता है प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो नॉलेज के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रीडिंग की बात करो तो उसके लिए श्रेष्ठ समय बताया गया है। इसलिए इस समय स्टूडेंट्स के लिए या वो लाइफ ही मनुष्य जो पढ़ते हैं उनके लिए श्रेष्ठ समय बताया। टाइम ऑफ मेडिटेशन मतलब ध्यान का जो समय बताया गया है वो एक अच्छा समय ये बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त के समय आपका जो ध्यान है वो प्रॉपर वे में लग पाता है। उसमें अपन किसी भी तरीके की बात कर सकते हैं, चाहे अपन कंसंट्रेशन उस समय प्रॉपर बन पाती है कि किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, किसी प्रकार की अगर जो नॉइज है वो अपने सामने नहीं होती है और माइंड केवल कंसंट्रेट उसी चीज पे रहता है, अदर जो माइंड के जो कॉन्फ्लिक्शन है वो उस समय अपन को नहीं होता है। देन बात करते हैं टाइम ऑफ सेल्फ एनालिसिस, अपन आपके बारे में विचार करने का जो श्रेष्ठ समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो उस समय अपन अपने स्वयं के बारे में विचार कर सकते हैं, पूरे दिन की अपन प्लानिंग उस समय कर सकते हैं कि आज मेरे को पूरे दिन में क्या करना है। तो ये एक सेल्फ एनालिसिस का टाइम होता है। टाइम ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस मतलब पूर्णतया चेतनता की स्थिति अपन कह सकते हैं कि मनुष्य प्योर कॉन्शियस रहता है, मतलब केवल जिस विषय में जिस वस्तु में वो ध्यान लगाना चाहता है उसी वस्तु में उसका ध्यान लगता है। टाइम ऑफ सुप्रीम नॉलेज एक अलौकिक नॉलेज उसको अलौकिक ज्ञान उसको उस समय होता है। टाइम ऑफ इटरनल हैप्पीनेस आंतरिक उसको एक अंदर से एक खुशी महसूस होती है, अपने आप को वो एक कॉन्फिडेंस में महसूस करता है। तो ये सब चीजें वही फील कर सकता है जो उस समय ब्रह्म मुहूर्त का जागरण कर रहा हो। देन इसके बाद में क्या फिजियोलॉजी ऐसी बनती है कि उस समय कि आपको ये सब लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वातावरण में सेलिब्रेट उस समय ब्रह्म मुहूर्त का सब समय होता है। अपन देखते हैं कि रात्रि के जो अपन ने वात की कब के हिसाब से अपन बात करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में वात की स्थिति बनती है, वात बड़ा हुआ उस स्थिति में रहता है और वात जो है आपका प्रॉपर जो मतलब सर्व है प्रॉपर डिफिकेशन है उसके लिए जिम्मेदार है, वो होना जरूरी है। तो अगर अपन ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठते हैं तो वो स्थिति अपने साथ में बदलेगी और आराम से अपन मतलब की क्रिया संभव हो पाती है आसानी से। लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो मनुष्य 7 या 8 बजे के बाद में उठते हैं तो उस समय कफ का दोष काल आ जाता है और कफ का दोष काल आ जाने के कारण जो प्रॉपर डिफिकेशन होना चाहिए मलोत्सर की क्रिया जो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो इसके लिए श्रेष्ठ बताया गया है कि नेचुरल भी इसीलिए उस समय ही अपन करते हैं। देन बात करते हैं कि नेसेंट ऑक्सीजन प्रातः काल का समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है उसमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलती है। मनुष्य क्या करता है जैसे किसी भी चीज का ग्रहण करना चाहे मैं भोजन का ग्रहण करूं, भोजन का ग्रहण मुझे भी करना है तो मैं जो भी है चाहे केले साथ यूज करो दाले यूज करो तो अपन उसको सीधा यूज नहीं करते, उसका संस्कार करके इस रूप में लेके आते हैं कि उस रूप में अपन उसको ग्रहण कर सकें देन वो टिश्यू के काम में आ सके। तो वैसे ही है ऑक्सीजन ओ2 के रूप में
वैसे रहती है, लेकिन अपन को जो चाहिए होती है वो नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए होती है, मतलब उससे भी छोटा स्थिति है। और वो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, वो नेसेंट ऑक्सीजन आपका जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन से जोड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। देन ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये आपके जो रिमोट टिश्यू है, जिस जिस टिश्यू को आवश्यकता होती है जितने जितने मात्रा में, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वो ऑक्सीजन पहुंचती है, तब वो प्रॉपर वे में काम कर पाता है। कहने का मतलब है कि इस समय ब्रह्मोत के समय नेसेंट जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मात्रा में आपको मिलती है, ठीक है। देन बात आती है कि रिलीज ऑफ सीरोटोनिन, ये एक हार्मोन है जो जिसको अपन वेलबीइंग और हैप्पीनेस का हार्मोन बोलते हैं, कि उस समय ये प्रॉपर मात्रा में रिलीज होता है। कि द पर्सन एक्टिव एंड अलर्ट, जो मनुष्य है उस समय क्या एक्टिव रहता है, देन अलर्ट भी स्थिति में रहता है, तो सीरोटोनिन हार्मोन का जो स्राव है वो उसी समय ब्रह्मोत के समय होता है। देन मिनिमम पोल्यूशन रहता है, ये भी अपन सबको पता है कि प्रातःकाल की स्थिति ऐसी बनती है कि उसमें वाटर पोल्यूशन की बात करो या नॉइज पोल्यूशन की बात करो या एयर पोल्यूशन की बात करो, अन्य पोल्यूशन की बात करो, तो सारे के सारे मिनिमम स्थिति में रहते हैं। और देन उस समय आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, आप जो ग्रेस्पिंग पावर है, वो सारी इंक्रीज रहती है, वो बढ़ती है। देन स्टिम्युलेट्स टू प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन, तो इसको अपन मूड रिलीवर भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये पूरे दिन के लिए आपको थ्रो आउट दिन में आपको एनर्जेटिक बनाया रहता है, और इस हार्मोन का जो स्राव है वो भी ब्रह्ममुहूर्त के समय होता है। तो ये बहुत सारे लॉजिकल चीजें हैं जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, ब्रह्ममुहूर्त में उठते हैं और सारे के सारे लाभ अपन को प्राप्त होते हैं। अपन बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बैड हैबिट्स की वजह से लेट नाइट स्लीपिंग रहती है या क्रोनिक स्लीप लॉस होता है, तो उसमें बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनती हैं, जैसे बीपी इंक्रीज की स्थिति बनती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती हैं, रिस्क फैक्टर ओबेसिटी एंड डायबिटीज है, वीकेंड इम्यून सिस्टम है, रिड्यूस कंसंट्रेशन है, मेंटल डिसऑर्डर एंड मेनी मोर। कहने का मतलब है कि केवल ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण नहीं करने से ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं उनसे मनुष्य ग्रसित होता है। और आचार्य ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सापुण्य छह कारण है। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का सेवन करने से, यानी उस समय में शय्या का त्याग नहीं करने से पुण्य है उसका छह होता है। तो ये था। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि घृत एवं दर्पण दर्शन। तो आचार्य ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि आप जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का जागरण करें, बेड से नीचे उतरते ही आपको दर्पण दर्शन या घृत के, पहले आचार्य ने लिखा था कि स्वर्ण पात्र में जिसमें घी रखा हो उसमें आपको दर्शन करना, मतलब अपने फेस को देखना है। तो उसके पीछे आचार्य का ये लॉजिक था, एक तो क्या है कि ये सब इन चीजों से आयुष्य आचार्य ने बताया है कि इनक्रीज प्रॉब्लम लॉन्गेविटी। दूसरा क्या है कि ये प्रत्यक्ष दर्शन यानी प्रत्यक्ष परीक्षा थी। प्रत्यक्ष परीक्षा कैसे, मतलब आपके फेस पे जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, सपोज करो दूसरा एक स्थिति ये भी बनती है कि आपके नोज हैं, आईज हैं, ईयर हैं, इनसे मल का भी जो बाहर निकलने का वो रहता है वो क्लियर आपको उसका ध्यान में रहेगी, क्लीनिंग आपको करनी है। दूसरा कि एक अन्य भी बहुत सारे परिवर्तन अपन को फेस पे देखने को मिलते हैं, चाहे अपन अरिष्ट लक्षण पे जाएं या सामान्य एक आपका कोर्निया का कलर है, कंजक्टिवा का कलर है, ये सब कुछ चेंज होते हैं विभिन्न प्रकार के डिजीज में। तो आपको पता रहे इसलिए आपको या आचार्य ने निर्देश दिया है कि आपको दर्पण दर्शन करना है। अचीव सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को देखने से अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि कुछ करने के लिए अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस। अवॉइड मेंटल कॉन्फ्लिक्शन, जो आपका मन की स्थिति है, मन में भ्रम की स्थिति रहती है, बार बार मन क्या है कि विभिन्न विभिन्न स्थितियों में विभिन्न स्थितियों में चर विचरण करता है, वो स्थिति आपके सामने पैदा नहीं होती, उससे दूरी रहती है। तो ये आचार्य ने बताया कि दर्पण दर्शन आपको करना चाहिए। इसके बाद में उसके बाद में बात करते हैं कि ऊषापान, आचार्य ने बताया है ऊषापान क्या है। उषा पान का मतलब पान का अर्थ है पीना, यानी जल का पीना, और उषा का मतलब उषा का। तो आचार्य ने क्या है कि आठ काल बताए, आचार्य ने आठ काल बताए, कौन कौन से काल बताए, पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन और सायंकाल। ये अपने ध्यान रहता है कि चार काल तो पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन और सायंकाल है, दिन के काल। रात्रि की अपन बात करते हैं तो प्रदोष, निशित, त्रियामा और उषा,
कहने का मतलब है चार चार आठ काल बनाए और इनमें जो ऊषा काल है, ऊषा काल में जल का पान करना ऊषा पान कहलाता है। तो इंटेक ऑफ वाटर इन ऊषा काल, तो इस जल को पीने से सुपोषण प्रतिशत बासी जल का उपयोग करते हैं। मात्रा के बारे में भी आचार्य ने कहा है कि लगभग 8% की मात्रा रहती है, अपन बात करेंगे तो लगभग 680 ml लगभग वाटर रहता है। तो इस जल का पान करने से क्या है, आप विभिन्न प्रकार की जो आने वाली बीमारियां हैं, अनागत व्याधियां हैं, उससे आप बच पाएंगे। जैसे रिनल स्टोन्स होने का भय आपको कम रहता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने की संभावना कम से कम रहती है, हेमोरॉइड्स हैं, अर्थ की समस्या कम रहती है, एसिडिटी की संभावना कम रहती है, इंडाइजेशन है, डिस्पेप्सिया है, एंड ऑल्सो प्रीवेंट ओल्ड एज डिजीज एंड मेनी मोर। आपको पता है कि जल है वो अपने बॉडी का सबसे एसेंट पार्ट है, बिल्कुल सबसे ज्यादा डिमांड जिसकी रहती है शरीर में, पानी की मात्रा सबसे सर्वाधिक रहती है। तो इसलिए अपन ये सब अगर करते हैं तो इन सब व्याधियों से अपन बच पाते हैं। इसके बाद में आता है कि डिफिकेशन मलोत्सर्ग प्रोसीजर ऑफ डिफिकेशन। सब अपन को ध्यान है कि डिफिकेशन का समय होता है, मलोत्सर्ग का समय होता है। आचार्य ने बहुत सारा टेक्स्ट में लिखा है कि आचार्य ने किस दिशा में अपन को बैठ करके करना चाहिए। देन अपन प्रैक्टिकली बात करेंगे कि प्रैक्टिकली क्या है, ठीक है। तो डिफिकेशन एट प्रॉपर टाइम, प्रॉपर जो समय मैंने आपको बताया है कि ब्रह्मोत्सव का समय है वही प्रॉपर समय है। अगर आप सोचते हैं कि 9 बजे के बाद में जो डिफिकेशन होता है तो वो प्रॉपर तरीके से होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ब्रह्मोत्सव में ही वात दोष की प्रधानता की वजह से पूरा का पूरा रेक्टम क्लियर रेक्टम होता है, इंक्रीज एपेटाइट, आपकी भूख बढ़ती है, इंक्रीज द डाइजेस्टिव पावर, प्रिवेंट्स वेरियस मैनिफेस्टेशन लाइक कॉन्स्टिपेशन, फॉल, स्मेलिंग क्लेरेंस। ये कुछ चीजें हैं जो अपन ने यहाँ शो की हैं। इसके अलावा बहुत सारे लाभ अपन को मिलते हैं अगर अपन प्रॉपर समय में प्रॉपर तरीके से डिफिकेट करते हैं। अब एक स्लाइड के माध्यम से मैंने बताया है कि डिफिकेशन का तरीका क्या है। जनरली अपन कुछ अपन यूज करते हैं, आजकल अपन जो इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं उससे अपन देखने आया था कि भाई बैठने का सही तरीका क्या था, उत्कटासन की स्थिति थी, लेकिन अपने अपनी सहूलियत के लिए उसको क्या है कि नेचुरल जो स्थिति थी उसको अननेचुरल स्थिति में बदल दिया। अब नेचुरल स्थिति में क्या है, रेक्टम की कंडीशन इस तरह से होती है कि वो आराम से डिफिकेट कर सकता है, लेकिन अपन ने अपनी सहूलियत से उसको बदला और बदलने के कारण क्या है, रेक्टम बिल्कुल राउंड हो गया। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्फिंक्टर है वो बिल्कुल क्लोज की स्थिति है। तो इसके कारण क्या है कि कॉन्टिनेंस रहता है और बिल्कुल क्लियर रेक्टम नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये स्थिति, अब बात करते हैं कि अपन को यूज यही करना है या ये परिस्थितियां ऐसी हो गई कि अपन को यूज करना पड़ रहा है। तो आप इससे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर बैठे हो, हाई और बॉटम राइट। तो अपन को क्या करना है, अपन को पैरों के नीचे एक स्टूल यूज करनी है, तो आपके थाइस का और वर्टिब्रा का 35 डिग्री का एंगल बनाना है। इस स्थिति में ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आप वही जो आप नॉर्मल जो अपना टॉयलेट है उस स्थिति में जैसा बैठे हो वैसे की वैसी स्थिति ऑटोमेटिक बन जाती है। तो एक तो आपको ये कर सकते हैं, अपन ये एक तरीका है कि अपन को इंग्लिश यूज करते हुए भी उस स्थिति में कैसे रहे, ठीक है। दूसरा ये भी दूसरे अपने डायग्राम में मैंने बताया कि यहाँ पर भी ये स्थिति बनती है। एक अपन बहुतायत में देखते हैं कि सेलफोन और पेपर दो चीजें अपन बाथरूम में ज्यादा यूज करते हैं, तो अपन कोशिश यही होनी चाहिए कि अपन क्या है बिल्कुल मन लगा करके, मतलब अपन जिस जो कार्य अपन कर रहे हैं डिफिकेशन कर रहे हैं तो उसी स्थिति में अपन को वो ही कार्य करते हुए उसी में अपना मन रहना चाहिए, अन्य किसी दूसरी चीजों में मन नहीं रहना चाहिए, दूसरी चीजें अपन को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए सेलफोन और न्यूज पेपर। देन इसके बाद में बात करते हैं आचमन मुख नेत्र प्रक्षालन, वॉशिंग ऑफ फेस एंड आईज। आचमन में सिपिंग ऑफ वाटर भी अपन कई बार बोल देते हैं कि हल्की सी जो बूंद अपन पानी का पीते हैं उसको भी अपन आचमन की श्रेणी में लेते हैं। ऐसा आचार्य ने क्यों कहा कि अपन देखते हैं कि अपन जब भी एक्सक्रीटा को शरीर से बाहर निकालते हैं, टीयर्स हैं, आंसू बाहर निकले हुए, स्नीजिंग की स्थिति है या प्रेमी से बाहर आए, तो इस स्थिति में क्या रहता है कि आपकी जो हाथ है, हाथ है, नेत्र है, ये हाथ है मतलब बिल्कुल डर्टी होने की वजह से या आप जो इन्फेक्टेड होने की वजह से कहीं कहीं इन्फेक्शन होने का भय नेत्र को भी रहता है। तो आचार्य ने ये स्पष्ट उल्लेख किया है कि इसके बाद में आपको इन चीजों के बारे में, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जहां पर भी आपको ये लगे कि भाई कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का भय अपन को है, तो उस स्थिति में आपको
मुख नेत्र प्रक्षालन हमको करना चाहिए। देन इसके बाद में बात करते हैं दंत धावन तुत प्रतिष्ठित, ये भी अपना एक विषय आचार्य ने खूब सारा उल्लेख किया है कि किस किस रस की अपन को दातुन कटोती के कषाय मधु रस की अपन को यूज करनी चाहिए। प्राचीन समय में अपन यूज करते थे लेकिन आज की स्थिति ऐसा है कि अपन चीजों से दूर हो रहे हैं क्योंकि आसानी से सुलभ नहीं है, सुलभ नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट अपन ढूंढना है कि पेस्ट अपन को करना है। अब पेस्ट करना है तो पेस्ट करने की भी क्या स्थिति है वो अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को ध्यान रखना है कि मॉर्निंग एंड आफ्टरनून मील अपन को दोनों टाइम अपन को टूथब्रश या दंत धावन अपन को करना है। होता क्या है, इसे रिमूव द इंप्योरिटीज ऑफ टंग टूथ एंड माउथ, शरीर के मुख के अंदर की पूरी चटनी की बात करें, टूथ की बात करें या ओरल पूरे मुंह की बात करें, सारे के सारे इंप्योरिटीज हैं जो दूषित हैं वो सारे के सारे शरीर से मुख से बाहर निकाल सकते हैं। होता क्या ऐसे, स्टिमुलेशन टेस्ट परसेप्शन एंड इंक्रीज द सलाइवेशन, मतलब टेस्ट परसेप्शन है जो बर्ड है वो भी क्या है कि इससे स्टिमुलेट होती है और उससे आपका जो सलाइवा है उसका इंक्रीज होता है, आपके जो लाला स्राव है वो अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं। जो भोजन को आपकी बात करें, एपेटाइट की बात करो चाहे डाइजेशन की बात करो, शरीर में हेल्पफुल रहते हैं। और क्या है, देन बात करेंगे गम्स स्ट्रॉन्गर, आपके जो मसूड़े हैं वो मजबूत होते हैं। गुड एक्सरसाइज ऑफ फेशियल मसल्स, जनरली जो फेशियल पैरालिसिस की अभी अपन को बहुत बार देखने में मिलती है, अभी वर्तमान में बहुत सारी चीजें हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं चीजें भी आती हैं कि अपन फेशियल जो एक्सरसाइज है, फेशियल मसल्स की जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो अगर ये अपन करते हैं तो उसमें फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज भी प्रॉपर हो पाती है। प्राचीन समय पर अपन यूज करते थे जो अरक है, खली है, बहुत सारी और भी बताए हैं, नींब है, मधु है, लेकिन आजकल अपन जो पेस्ट काम में ले रहे हैं, पेस्ट ही काम में ले रहे हैं, तो पेस्ट करने के भी क्या तरीके बताए गए हैं, तो वो तरीके क्या हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक अपन को पता होना चाहिए कि ब्रश करने का तरीका क्या है। कई बार क्या है, अपन ब्रश करते हैं ब्रश को अपन 30-35 मिनट भी करते हैं, अपन लोगों को अक्सर देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो फायदा अपन को होना चाहिए, जो बेनिफिट अपन को मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल करके उसके बजाय अपन को डिसएडवांटेज उसके मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया है कि देखो ब्रश का जो है 45 डिग्री एंगल के साथ में आपका जो सामने की जो टीथ है और गम्स है उनके जो टचिंग सरफेस है वहां से आपको यूज करना है। और किस तरह यूज करना है आपको, इसको आपको 45 डिग्री एंगल पे यूज करेंगे, देन बोथ लाइन को आपको टच करते हुए यूज करना है। देन सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये देखो जो आपका साइड टीथ है, आउटर साइड टीथ है, वहां पर सर्कुलर मोशन में अपन उसको ब्रशिंग करेंगे। देन थर्ड में साइड टीथ को इंटरनली क्लीन करना है। देन इसके बाद में फोर्थ स्टेप में अपन बात करेंगे कि अपर और लोअर, अपर और लोअर को आप सीधा हॉरिजॉन्टली आप यूज करोगे इसको, इससे क्या होगा कि ये जो सरफेस है अंदर की सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन हो पाती है। देन नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे तो नीचे का जो टीथ है, नीचे के टीथ को अपर साइड से आपको क्लीन करना है। देन लास्ट में आपको बात करनी है कि जो जिन सरफेस से आप चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को आप चबाते हैं, उन सरफेस को आपको साफ करना है। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है कि प्रॉपर जो ब्रश की टेक्निक है वो क्या है, इस तरीके से अपन को ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ब्रशिंग करने के, टूथपेस्ट करने के अपन को सारे के सारे लाभ प्राप्त हो। इसके बाद में बात करेंगे कि जीवन निर्लेखन या टंग क्लीनिंग अपन काम में लेते हैं। प्राचीन समय में बात करेंगे तो टंग क्लीनिंग के लिए आचार्य ने बहुत लिखा है कि कितने अंगुल के काम में लेने चाहिए, जो प्लांट्स आपने किया है उसको, जो आपने टूथब्रश काम में लिया है, दंत धावन काम में लिया, दांतों जो बनाई थी उसी को दो भाग में डिवाइड करके और उससे आपको फिर आपको लेना है। तो दो चीजें सामने आती है, या तो मेटल की बनी हुई हो या प्लांट्स की बनी हुई। आजकल प्लांट्स की यूज करते हैं अपने गांव में, आजकल आप भी प्लांट्स की जो जीवन निर्लेखन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो अपन यूज कर रहे हैं वो मेटल की यूज कर रहे हैं, मेटल की यूज कर रहे हैं या फिर प्लास्टिक की यूज कर रहे हैं। लेकिन जीवन निर्लेखन की जो आकृति बताई गई है वो इसी तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आजकल जो मार्केट में सिंगल हैंड जो जीवन निर्लेखनी मिल रही है
उससे क्या है कि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है। अपन एक बिल्कुल यूज कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो जीवन निर्णय की हमको यूज करनी है उसी तरीके से बनी हुई होनी चाहिए। इससे क्या होता है, रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ टंग, जो आपके जो टंग है उसकी जो सारी अशुद्धियां हैं, दूषित जो हो रखी है, उसके ऊपर किसी प्रकार का मल की कोटिंग हो रखी है, वो सारी सारी दूर हो जाती है। रिमूव बैड ऑडर ऑफ द माउथ, आपके मुख में बैड स्मेल है वो इससे दूर हो जाती है। तो जो टेस्ट बर्ड है जो जीवा पे है उनको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। टेस्ट बर्ड को स्टिमुलेट करने से क्या होता है कि आपकी जो सलाइवा है वो इंक्रीज होता है, आपके सलाइवा का लाला वो अधिक मात्रा में होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो डाइजेशन है प्रॉपर डाइजेशन आपका हो पाता है, भोजन को पचाने में भी आपको मदद करता है। देन टंग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, टंग के ऊपर बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो केवल जीवा निर्लेखन की सहायता से उनको अपने स्टिमुलेट कर पाते हैं। और ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये पूरे आपकी जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, ब्लेडर है, स्टोमच है, इंटेस्टाइन, इन सबको प्रभावित करते हैं। इनकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो करने में मदद करते हैं। इनकी वजह से सारे के सारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रॉपर रूप में हो पाते हैं। तो इसलिए जीवा निर्लेखन का उपयोग अपने करना चाहिए, और ये मेटल या प्लास्टिक की होनी चाहिए लेकिन वो इसी रूप में होनी चाहिए जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसके बाद में बात करते हैं अपन अंजन की। तो अंजन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पॉलीजेमाइस। अंजन आजकल जो मार्केट में उपलब्ध हो रहा है वो भी एक अंजन का ही प्रकार है, लेकिन उसमें क्या है कि एंटीमनी या सल्फर वगैरह भी यूज रहता है। तो अपन को जहां तक हो सके जो प्राकृतिक रूप से जो अंजन बनाए जाते हैं वो ही अंजन प्रयोग में लेने चाहिए। प्राकृतिक रूप से अंजन पहले के समय में बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, अभी भी बनाने के लिए जैसा कि मैं आपको बनाने का एक तरीका बताता हूँ। जनरली जो यूज करते हैं, मैं प्रैक्टिकली जो यूज करता हूँ वो एक बादाम का अंजन प्रयोग में लेते हैं। तो कैसा बनाते हैं, उसको बनाने का तरीका ये कि बादाम को आप एक बादाम को कॉटन में रेफर कर दीजिए, तीन या चार बादाम को लेकर के उसको कॉटन में रेफर कर दीजिए। रेफर करने के बाद में एक दीपक लीजिए और दीपक के पूरा घर से भरा हुआ हो, और देन उसके बाद में जो आपने कॉटन जिसमें आपने बादाम को रेफर किया है उसको आपको जलाना है। जलाने के बाद में उसके बाद में उसको इस तरीके से रखना है कि उसके ऊपर को प्लेट है वो उल्टी रखी जा सके, क्योंकि जब वो जलेगा वो कॉटन जलेगा, पहले कॉटन जलने के बाद में उसके बाद में वो बादाम जो अंदर रखी हुई है घर में संस्कार करने के लिए वो जब जलेगा, जलने के बाद में उसका जो स्मोक होगा वो ऊपर जा करके उस थाली या प्लेट के नीचे लग जाएगा, और आप उसको कुछ समय बाद में उसको सेपरेट कर सकते हैं और उसको आंखों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक मोस्ट है जो बहुत भी बहुत सारी द्रव्य है जिनसे अपन इसको अंजन को बना सकते हैं, लेकिन बादाम का मोस्टली यूज अपन करते हैं। बिल्कुल शीतल द्रव्य है और संस्कार करने के बाद में एक अच्छा लाभ इससे हमको मिलता है। तो इससे होता क्या, इरिटेशन टू आईलिड्स एंड कंजंक्टिवा। ये क्या करता है, आईलिड्स को और कंजंक्टिवा में इरिटेशन करता है, जिससे क्या है कि आपको ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से क्या वहां पर क्या है कि जो ड्रग्स हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी और पोटेंसी ऑफ द ड्रग्स है ये इंक्रीज होती है। तो इसकी वजह से क्या है, मैक्स आई ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट विंड एंड सनलाइट। आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल सौंदर्य नहीं, सुंदर बनेंगी, और आपकी जो हवा विंड है और सनलाइट है बाहर का जो सूर्य का प्रकाश है उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ उनको मिलता है। देन इसके बाद में अपन बात करेंगे नेजल नस्या, ऑयली नेजल ड्रॉप्स। ऑयली नेजल ड्रॉप्स में अपन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑयल यूज करते हैं। कड़ाणु तेल है, कड़ू तेल है, जो जिस तरह की अपन को यूज करना होता है, सामान्य अपन जो हेल्थी पर्सन के लिए बताते हैं वो अनु तेल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसकी वजह से आप इसको प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि एक ऑयल की स्टिकी नेचर होती है। ऑयल का स्टिकी नेचर होने के कारण अवॉइड द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल इनटू द नेचर। तो सबसे पहली बात ये होगी उसकी स्टिकी नेचर यानी उसकी चिपकने की प्रकृति होती है, जिसकी वजह से जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या है कि नाक में या नेजल ट्रैक में एंटर नहीं कर पाते हैं
और इसके कारण क्या है कि आपका क्लीन नेचर रहता है। देन दूसरा है कि ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व है जो नस से द्रव है, जो नस से द्रव अपन काम में लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं नर्व एंडिंग्स को। इसकी ऑल्फैक्टरी नर्व की जो नर्व एंडिंग्स हैं उनको क्या ट्रिगर करते हैं और उससे एक मैसेज सीएनएस को भेजा जाता है जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है बॉडी के उसको स्टिमुलेट करता है। सबसे पहले तो अपन ने एसिडिक नेचर की बारे में बताया कि एसिडिक नेचर की वजह से सारा का सारा नेचर है वो क्लियर रहेगा। दूसरा नस्य नर्व जो अपन काम में लेंगे वो ऑल्फैक्टरी नर्व के जो नर्व एंडिंग है उनको स्टिमुलेट करते हैं और उसके द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक मैसेज कन्वर्ट होता है और देन वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी के सारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उनको प्रॉपर तरीके से करवाने में हेल्प करता है। देन इसके बाद में बात करते हैं अपन प्राप्त होता है। इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ओरल कैविटी, आपकी जो ओरल कैविटी है उसमें क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं जिसके कारण है द रैपिड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ पोटेंसी ऑफ द ड्रग्स। जो आप ड्रग यूज कर रहे हो, जो आप ऑयल यूज कर रहे हो, उस ऑयल की बायोअवेलेबिलिटी और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ती है जिसके कारण उसके सारे के सारे गुणधर्म है जो सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल पाते हैं, इसलिए अपन ऑयल यूज कर रहे हैं। Then, massaging effect over the oral mucosa and strengthens the muscles of cheek, face and jaw. एक इसका oral mucosa जो है उसका क्या massaging effect हो जाता है। गंडूस को अपना मुंह में ओयल को भर के रखते हैं तो उससे क्या है ये जो oral mucosa है इससे एक massaging effect होता है जिससे क्या है कि यहाँ की जो muscles हैं face की, cheek और jaw की क्या strong बनती हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे धूम्रपान मेडिकेटेड फ्यूम इनहेलेशन। धूम्रपान के बारे में भी अपन ने पढ़ा है कि धूम्रपान इनहेलेशन ऑफ मेडिकेटेड फ्यूम थ्रू माउथ एंड नोज एंड रिलीज इट ओनली थ्रू द माउथ। ये बात अपने आचार्य ने कही है कि मुंह आपको जो मेडिकेटेड धूम है यानी धूम्रपान का प्रयोग करना है वो माउथ और नोज दोनों से कर सकते हो, मुंह से भी यूज कर सकते हो और नासा मार्ग से भी आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उसको निकालना आपको मुंह से ही है अदरवाइज आंखों को हानि होने की संभावना रहती है। और ये जो अपन यूज करते हैं इसमें धूमवर्ती का प्रयोग अपन करते हैं, सीधी धूमवर्ती प्रयोग मिला रही है डायग्राम में सीधी धूमवर्ती को दिखाया गया है और दूसरे धूम नेत्र बना करके उसके अंदर धूमवर्ती दिखा रखी है। तो ये जैसा जैसे जैसी भी स्थिति बनती है उसी के अनुसार अपन धूमवर्ती का प्रयोग कर रहे हैं। अभी क्या करते हैं इनसे होता है कि वहन भी धूमपान द्रव्य आर जब ये धूमपान द्रव्य है जिन धूमपान द्रव्यों से हमने धूमवर्ती बनाई है उसको जब अपन लाइट के साथ करते हैं तो लाइटिंग से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इन कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो क्या करता है वो आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है जो आपका प्राण स्रोत का जो उसको क्या करता है उसको ट्रिगर करता है और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए उसको प्रेरित करता है। तो ये आपको ध्यान रखता है कि धूमपान द्रव्य के अंदर जब भी हम उसको लाइटनिंग के संपर्क में लाते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो कार्बन की ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको ट्रिगर करता है और जो आपके जो सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है और उसको प्रॉपर फंक्शन के लिए स्टिमुलेट करता है। दूसरी क्या होती है जो अपन जो द्रव्य यूज कर रहे हैं वो द्रव्य की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जैसे डिसइंफेक्टिव एक्शन ऑफ द धूम्रपान द्रव्य जैसे अपन यूज जनरली यूज जो हम करते हैं वो हरिद्रा है वो बुल है वचा है तो ये क्या करता है आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ओरल कैविटी है एनोफैरिंक्स है उनको सारे को क्लियर करते चलता है। तो ये एक जो धूम्रपान द्रव्य है उनकी एक प्रॉपर्टी की वजह से ये आपको डिसइंफेक्टिव का भी लाभ उनको प्राप्त होता है। प्रिवेंट्स उर्वरक जो उधर होगा स्ट्रेंथन द वॉइस एंड प्रीमैच्योर ड्रेइंग ऑफ द हेयर। तो सारे के सारे अपन को ये पता है कि भाई नस से जो है नस से सिर का सिर में औसत पहुंचाने का नस से ही अपना एक मार्ग है नस से या धूम्रपान
धूमपान और नशे के लाभ लगभग एक जैसे से अपन को मिलते हैं, तो धूमपान की सहायता से भी नशे से अपन अपन को ऊर्ध्व जो जितने भी विकार है, जो मानसिक विकार है, वहां तक अपन पहुंच पाते हैं और आपकी जो वॉइस है वो क्लियर होती है, आपकी जो हेयर है वो उनसे झड़ने से बचा जाता है। देन इसके बाद में बात करेंगे अभय की ऑयल मसाज। ऑयल मसाज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मसाज से क्या होता है, मसाज एनहांस द ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट द पोटेंशियल ऑफ ड्रग टू द डिजायर्ड पार्ट। तो सबसे पहली बात है कि मसाज करने से, मालिश करने से जो आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाने से क्या है कि जो आपने जो ऑयल यूज किया है, जो ड्रग्स आपने यूज किया है, जो आपने मेडिकेटेड ऑयल आप यूज कर रहे हो, उसकी क्या है कि पोटेंसी है, वो पोटेंसी बढ़ जाती है, वो जहां तक आप उसका पहुंचाना चाह रहे हो, जिस अंग में उसके लाभ लेना चाहते हो वहां तक आप पहुंचा पाते हो। तो सबसे बड़ा क्या है कि उसकी डिजायर पार्ट तक आपकी उसकी पहुंच बढ़ जाती है। मसाज ट्रिगर द एक्यूप्रेशर पॉइंट व्हिच इंड्यूस द रिलीज ऑफ द एंडोर्फिन व्हिच सोर्स एनर्जी स्पेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, जनरली अपन नोटिस नहीं करते कि मसाज से क्या होता है, मसाज से जो बॉडी के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो इंड्यूस्ड होते हैं, वो एक्यूप्रेशर जो पॉइंट इंड्यूस होते हैं उनसे एंडोर्फिन का स्राव होता है, एंडोर्फिन रिलीज होता है। तो एंडोर्फिन क्या है, एंडोर्फिन का अपना एक एनर्जेटिक इफेक्ट है, इसीलिए अपन जनरली देखते भी हैं कि अपन को मसाज करने के बाद में पेन में रिलीफ अपन को मिलता है। तो वो जो पेन में रिलीफ मिलता है, जो एनर्जेटिक इफेक्ट अपन को मिलता है, वो एंडोर्फिन की वजह से होता है। वो एंडोर्फिन जो है वो एक्यूप्रेशर जो पॉइंट है बॉडी पे जिनको अपन ने मसाज किया है वहां से उनकी रिलीफ होने की वजह से अपन को मिलता है। देन बॉडी बिकम फेयर स्किन बिकम ब्यूटीफुल इट एलिवेट्स वाटर डिसऑर्डर विटामिन से फटीग प्रमोट्स स्ट्रेंथ कंफर्ट विजन एंड स्लीप प्रिवेंट स्कैल्प डिजीज ईयर डिजीज एंड क्रैकिंग। सारे के सारे लाभ अपन को प्राप्त होते हैं, ये अपन ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ के रखा है, सब अपन को ध्यान रखना है। अपन क्या है जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो ही नोटिस करते रिव्यू करते जा रहे हैं, बाकी क्या थ्योरेटिकल तो अपन को ने सब चीज आपको बता दिया, अपन ने देखा भी है। इसलिए तो अपने मसाज देखी है, तो मसाज में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले जनरल मसाज के बारे में अपने बता दिया। उसके बाद में बात आती है, अपन ने आचार्य ने कहा है कि शीत शरण पालिश सिर का, शरण कानों का और पाद का, इनका विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। तो क्या है, सीओ अभ्यंग प्रिवेंट्स द ग्रे हेयर फॉल स्ट्रेंथन द हेयर रूट। तो आचार्य ने कहा है कि सीओ अभ्यंग को विशेष महत्व इसलिए दिया है कि जो सिर है, हेड है, वो अपने शरीर का मेन पार्ट है, मेन पार्ट होने की वजह से सारा का सारा जो कंट्रोल है वो अपन ऐसा मानते हैं कि हेड से ही होता है। तो इसकी सुरक्षा भी सबसे अधिक आचार्य ने बताई है, तो इसके अभ्यंग को भी आचार्य ने बताया है। तो इसने ये सामान्य लाभ इसमें बताया है कि आपके बाल है वो सफेद नहीं होते, बाल गिरते नहीं है, हेयर रूट है वो मजबूत होती है, मैच दी है बाल लंबे होते हैं और ब्लैक होते हैं। सेंस ऑर्गन ऊर्ध्व चतुर्गत जो पार्ट है उनको क्या है कि प्रॉपर तरीके से ये पोषण प्रदान करता है और स्किन को भी इससे पोषण प्राप्त होता है। सूर्य अभ्यंग के बारे में पादाभ्यंग भी अपन ने बताया कि पादाभ्यंग भी अपन को विशेष रूप से करना चाहिए। दोनों अभ्यंग के विशेष लाभ आचार्य ने बताया है कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू फीट, इंप्रूव द विजन एंड पेसिफाई द वाटर। तो ये सब भी अपन को मिलता है। देन बात आती है कि व्यायाम से, व्यायाम यानी फिजिकल एक्सरसाइज। अब फिजिकल एक्सरसाइज जो आचार्य ने बताई है, आचार्य तो कहते हैं शरीर चेष्टा या चेष्टा से आता बल वर्धिनी देह व्यायाम संघाता मात्रा काम समाचार। आचार्य ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जो शरीर में स्थिरता है और जो बल की प्राप्ति जिससे हो, आयु की प्राप्ति जिससे हो और जो मात्रा पूर्वक किया जाए वो व्यायाम है। अब व्यायाम के रूप अलग अलग है, अब योगा है, साइक्लिंग है, अन्य जो गेम्स है, तो सारे के सारे व्यायाम के अंतर्गत आते हैं, ये फिजिकल एक्सरसाइज है। बेनिफिट्स क्या होता है, बेनिफिट्स बताया गया कि इंक्रीज द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले आपका जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करता है। देन लाइपोलाइसिस ऑफ एक्युमुलेटेड एडिपोस टिश्यू, आपके शरीर में जो भी एडिपोस टिश्यू है जो एक्युमुलेट हो चुके हैं उनको लाइपोलाइसिस करता है। एक्स्ट्रा फैट है शरीर में कहीं भी उसको रिड्यूस करता है। आपके शरीर में जो ऑक्सीजन सप्लाई है जो रिमूव टिश्यू तक बराबर रूप से सप्लाई नहीं हो पा रही है
उसको बराबर रूप से सप्लाई करने में आपकी मदद करता है कि रिमोट उससे तक ऑक्सीजन सप्लाई हो पाती है। होते हैं तो अपन को मात्रा पूर्वक आचार्य जी बताया है कि मात्रा का ध्यान रखते हुए अपन को व्यायाम करना चाहिए। देन इसके बाद में और बहुत सारे लाभ हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इसके अलावा ये तो एक बहुत ही शॉर्ट है, लाभों की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे लाभ अपन को आसान मिलते हैं, जैसे लोअर बॉडी बॉडी वेट को कम करता है, एलडीएल को कम करता है, एसडीएल को बढ़ाता है, कंट्रोल ब्लड शुगर को ठीक करता है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, इनकी रिस्क को कम करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रेस को कम करता है, आपकी स्लीप है उसके स्लीप के लेवल को बढ़ाता है, उसको इम्प्रूव करता है, आपका जो वर्क एक्शन है उसको इन्हेंस करता है, उसको बढ़ाता है, और आपकी जो लाइफ स्पैन है जो उसको भी बढ़ाता है। इसके बाद में आचार्य ने बताया कि चक्रमण का उल्लेख किया है, चक्रमण का उल्लेख आचार्य ने उनके लिए किया है कि जो ओल्ड एज है या किसी व्याधि से ग्रसित है या प्रेग्नेंट लेडी है या फिर बच्चा है जो क्या है कि बहुत एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनके लिए चक्रमण का उल्लेख किया है कि आपको धीरे 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 आपको एक सामान्य गति से आपको कदम ताल जिसको अपन कहते हैं, टहलना जिसको अपन बोलते हैं, वो आपको करना है। तो क्लियर द चैनल और सोर्स ऑफ द बॉडी एंड इंक्रीज द रिसेप्टिव पावर ऑफ द ऑर्गन्स, वो सारे के सारे लाभ अपन को चक्रमण से भी मिलते हैं जो अपन को व्यायाम से मिलने होते हैं। देन इसके बाद में आता है स्नान यानी बाथ। बाद स्नान के बारे में आचार्य ने लिखा है कि स्नान शरम हरणम, इसका मतलब स्पष्ट है कि शरम को हरने वाला है यानी अपन को थकान को दूर करने वाला है। इसके बारे में भी आचार्य ने बहुत सारा लिखा है कि स्नान आपको हाथी की तरह करना चाहिए, बहुत यानी कि पानी की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में अपन को यूज करनी चाहिए। पानी की मात्रा के बारे में आचार्य ने इसलिए कहा है कि प्रॉपर तरीके से शरीर की क्लीनिंग हो सके, इसलिए आचार्य ने इस तरह कहा है कि भाई आपको बहुत सारी मात्रा में लेकर क्वांटिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब लिखा है आचार्य ने लाभ बताया है कि डेली बाथ इंप्रूव्स एंथुसियाज्म स्ट्रेंथ एपेटाइट एंड रिमूव्स स्वेट एंड अदर इंप्योरिटीज फ्रॉम द बॉडी, सारी की सारी स्वेटिंग के माध्यम से बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है, शरीर की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, भूख बढ़ाता है, डाइजेशन पावर को बढ़ाता है, प्रमोट्स विटालिटी एंड लॉन्गेविटी, एलिमेंट्स फटीग स्वेट एंड दैट इंक्रीज बॉडी स्ट्रेंथ, क्लीननेस द सेंस ऑर्गन, बाथ स्टेबिलिटी, डाइजेस्टिव पावर, इंक्रीज स्पैन ऑफ लाइफ, ओजस एंड स्ट्रेंथ, इट आल्सो रिमूव स्टिंग, डेडनेस, फटीग एंड स्वीट एंड एसिड थ्रस्ट। तो ये सारे के सारे लाभ अपन को मिलते हैं। इसके बाद में आता है उद्वर्तन। उद्वर्तन उद्वर्तन का भी आचार्य ने अच्छा उल्लेख किया है, बाय डूइंग दिस ब्लड वेसल्स बिकम डायलेटेड। आपको पता है उद्वर्तन में क्या हम क्या करते हैं, एक जो ड्राई चून अपन काम में लेते हैं और उसको क्या करते हैं शरीर पर उसको मसाज करते हैं, तो उस मसाज से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है वो क्या है कि डायलेट होती है, जिससे शरीर का स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो बढ़ता है, आपकी जो शरीर में जो स्किन डिजीजेज हैं, वाटर डिजीजेज हैं, आपके जो थाइज हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, तो ये सब चीजें उद्वर्तन से अपन को लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लाभ हैं जो अपन को मिलते हैं। संवहन, संवहन है कि आपको धीरे धीरे सामान्य मसाज करते हैं, जो जिसको अपन स्ट्रॉन्ग मसाज जिनको नहीं दे सकते उनको अपन एक संवहन की जैसे मसाज देते हैं, जो सारे के सारे लाभ जो अपने अभिन्न के लाभ बताए गए हैं वो सारे लाभ अपन को संवहन की जैसे भी प्राप्त होता है, जैसे छोटे बच्चे को देनी है या ओल्ड एज पर्सन को देनी है या किसी प्रेग्नेंट लेडी को आपको मसाज देनी है, तो वो आपको संवहन क्रिया के तरीके से आपको मसाज देनी चाहिए, ठीक है। जेंटल मसाज एनहांस द अफेक्शन स्लीप विरिलिटी अवॉइड्स द कफ एंड आल्सो इंप्रूव्स द सर्कुलेशन, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको प्रॉपर रूप से बढ़ाता है। इसके बाद में आता है आहार। आहार अपने आप में एक विस्तृत विषय है,
लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि प्राण प्राण भक्षणा अन्नम लोको अभिधावति, कि मतलब प्राण अन्न को प्राण कहा गया है और इसी के लिए, इसी की प्राप्ति के लिए मनुष्य इस लोक में विचरण करता है। कहने का अर्थ है कि आहार की अपनी एक इंपोर्टेंस है, तो आहार को हमको कैसे लेना, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसके बारे में आचार्य ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि अपन त्रिविध उपसी की कल्पना करते हैं, चतुर्विध उपसी की कल्पना करते हैं, सब अपन आयुर्वेद के विद्यार्थी है, इसलिए अपन को सब ध्यान में फिर आहार विधि विशेषाधिकरण बताए हैं, आहार विधि विधान आपने बताए हैं और फिर विरुद्ध आहार के बारे में आचार्य ने बताया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपन को आहार के अंदर देखनी होती है। अपन आगे बढ़ते हैं, वन शुड स्टार्ट आहार विधि, ये अपन को आचार्य ने बताया कि मधुर रस देन अम्ल लवण प्रकृति और कषाय इसमें आपको लेना चाहिए, भोजन का एक ग्रहण करने का क्रम आचार्य ने बताया है। आज के लिए हम काफी डिस्टर्ब होता है, जैसे हम लास्ट में आजकल मधुर चीजों का सेवन करने लगे हैं, तो वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है, इसलिए हमको इसी तरीके से भोजन का सेवन करना चाहिए, मधुर रस को प्रारंभिक में लेना चाहिए, जिससे जो प्रधानता उसमें हुई है उसको अपने वापस उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस आहार रस गिव स्ट्रेंथ है बल वरण पुष्टि धातु पोषण इत्यादि प्रसाद, ये सब अपन को इससे प्राप्त होता है। फूड इज लाइफ, इट इंप्रूव्स कॉम्प्लेक्शन, गुड वॉइस, प्रोलॉन्ग लाइफ, गिव्स हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, प्रमोट्स ग्रोथ स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस, इंप्रूव मेमोरी, एपेटाइजिंग पावर एनर्जी, नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ माइंड एंड इंक्रीज डोजेस। तो ये क्या है, ये सब लाभ अपन को इससे मिलने वाले हैं आहार। देन अपन बात करते हैं तांबूल धारण का, तांबूल धारण का भी आचार्य ने बिल्कुल उल्लेख किया है, लेकिन वर्तमान में जो अपन तांबूल यूज कर रहे हैं जिसमें चूना और कत्था ये अपन अधिक मात्रा में जो यूज करते हैं वो अपन जो यूज करते हैं वो आचार्य ने बताया नहीं, अपन आचार्य ने कहा है कि तांबूल विशुद्ध रूप से प्रयोग करने के बताया कि आफ्टर टेकिंग द फूड वन शुड टेक तांबूल बेटर लीच एंड नट, मुख्य रूप से इनके बारे में प्रयोग करने के आचार्य ने कहा है, बिकॉज इट गिव्स ओरल हाइजीन डाइजेशन ऑफ फूड, it is recommended after night sleep, after bath, after the meal and after vomiting। ठीक है, तो अपन को भोजन के बाद में तांबूल धारण करना चाहिए। It is specified all the three dosas, सभी प्रकार के जो दोष हैं उनको क्या करना है, शांत करना है, causes cheerfulness, cleanness of the mouth, remove all fatigue, odor, which cause extra salivation, which will aid the digestive process। तो ये सब लाभ अपन को इससे मिलते हैं। देन इसके बाद में हम बात करते हैं कि वृत्ति धर्म, इसके बाद में मनुष्य क्या है कि जिस जिस व्यक्ति का जो जो क्रिया रहती है पूरे दिन में, जो उसका प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग, फार्मर है, टीचर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, अन्य जो भी है, उनको अपने काम में लीन हो जाना है, क्योंकि कर्म ही अपना उद्देश्य है। इट विल गिव हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ दी लाइफ, लाइफ में अपन संतुष्ट रहते हैं कर्म करके, तो ये अपन को करना चाहिए उसके बाद में। आचमन पाद मुख प्रक्षालन, वॉशिंग ऑफ फीट एंड फेस, रिमूव फटिग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, सबसे ज्यादा जो दूषित रहते हैं तो अपन पैर और मुख, तो ये क्या है कि इन पे अशुद्धियां होने की वजह से अपन इनको साफ करने के लिए आचार्य ने निर्देश किया है। इसके बाद में आचार्य ने लिखा है संध्योपासना मंगल क्रिया वर्शिप ऑफ डिवाइन, तो आचार्य ने बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख किया है कि सायंकाल का जो समय है अपन को वो पूजा का समय बताया गया है। पूजा का अर्थ ये है, संध्योपासना का अर्थ ये है कि मतलब आपने दिन भर में जो कार्य किया है उस कार्य के बारे में आपको विचार करना है कि जो आपने कार्य किया है वो सही है या गलत है, मतलब वो आपके लिए या अन्य लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा या उसकी कोई दुष्परिणाम तो कहीं नहीं है, आप किसी ऐसी वृत्ति में तो नहीं है जिसके दुष्परिणाम मिलने वाले हैं, और ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, यानी ईश्वर को स्मरण करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना है, इसलिए वर्षित का यह अर्थ बताया गया है। पूजा उसका एक पाठ है कि पूजा अपन बैठ करके पूजा के माध्यम से इन सब चीजों को एनालिसिस करते हैं, सेल एनालिसिस मनुष्य का प्रतिदिन हो पाता है। देन इसके बाद में है रात्रि भोजन, रात्रि भोजन के बारे में भी आचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि अपन को जो रात्रि का भोजन है वो बिल्कुल ही लाइट करना चाहिए,
It should be light and less in quantity, easily digestion, provides nourishment. तो आचार्य ने इस फोटो में भी आप देख रहे हो डायग्राम में एक सामान्य सा भोजन दाल है और सामान्य एक दूसरी वेज है चपाती है और दूध है। तो अपन जनरली अपन क्या करते हैं कि जो रात्रि का भोजन है वो बहुत ही ज्यादातर वृष्ट करने का प्रयास अपना रहता है क्योंकि अधिकतर जो ओकेजन होते हैं वो क्या है कि रात्रि के समय ही डिनर के लिए रहते हैं। तो वो अपन क्या करना है, प्रातः काल का जो भोजन होता है वो हेवी रहना चाहिए और देन बीच का भोजन है वो पूछना क्या हुआ? हाँ डॉक्टर इंद्रा, हेलो हेलो, मात्रा में प्रभु सेवन करना, मात्रा में प्रभु सेवन करना ही चाहिए। नाइट स्लीप पोजेस हैप्पीनेस नरिशमेंट स्ट्रेंथ विटलिटी एंड वाइटलिटी एंड आल्सो बीइंग धातु समता बैलेंस बॉडी कंस्टिट्यूट प्रमोट गुड रीजन कॉम्प्लेक्शन एंड इंप्रूव डाइजेस्टिव पावर। Healthy sleep can help your body better regulate blood sugar levels, keep your immune system functioning properly, and even improve your heart health by decreasing stress. Sleep also helps you function effectively throughout the day. तो ये लाभ बताए गए हैं जो लाभ अपन को निद्रा से प्राप्त होते हैं। Then last में अंतिम slide है conclusion. तो सर्व मनित प्रीते सर्वीगम अनुपालित तद भावी भावना सर्व भावा भी सर्वीगम। तो अपन को सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल इस शरीर की अनुपालना करनी चाहिए, इस शरीर का पालन करना चाहिए, इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए, तभी अपन धर्म अर्थ काम और मोक्ष की तरफ बढ़ते हुए अपने जो चतुर्विध कर्म बताए गए हैं इनके अपन पालन कर सके और लाभ प्राप्त कर सके। तो ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाने का प्रयास किया है, थ्योरी को कम से कम यूज किया है, शास्त्र को कम से कम बताने का प्रयास किया है। ये 100% अपन ने बताया है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं, अपन कितना परसेंट इसको अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन अधिक से अधिक अप्लाई करने का अपन को प्रयास करना चाहिए। इसी का क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। मेथल क्या हुआ? हेलो डॉक्टर इंद्र जी मैडम, हाँ थोड़ा सा कुछ आवाज की दिक्कत रही लास्ट में, पता नहीं नीचे तो या नहीं सुनाई दिया, हो सकता है मैडम। जी मैडम, हाँ जी आपकी ओर से पूरा हो गया, मैंने कहा आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ मैडम मेरी तरफ से जो नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत सारा धन्यवाद, आपने काफी अच्छी दिनचर्या की बातों को आपने डिटेल में वर्णित किया और मुझे लगता है कि शास्त्र के ऊपर श्रद्धा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और श्रद्धा के माध्यम से हम कई बार बहुत अच्छे अच्छे कार्य हम कर पाते हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे। और अगर कोई क्लिनिकल केस भी डॉक्टर दिनचर्या का आपने बदला हो और इसमें साथ में हो तो एक दो केसेस आप बताएंगे तो सभी प्रतिभागियों को बहुत अच्छा रहेगा। जी मैम जी, आपने ओपीडी में इनमें से दिनचर्या के कुछ पार्ट को जैसे बदला हो किसी पेशेंट के और क्या अनुभव रहा, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? पर्टिकुलर पेशेंट का तो नहीं है मतलब, लेकिन क्या है कि उसको एडवाइस करते हैं स्वस्थ वर्ग की ओपीडी में, उसको प्रॉपरली एडवाइस ये अपने करते हैं कहीं ना कहीं उसका डाइट का और उसके डेली रूटीन लाइफ का, ये अपन उसमें कोशिश करते हैं कि उसको अपने आप को चेंज कर पाए। जी 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 जी, ओके डॉक्टर। एक दो क्वेश्चन है उसको ले ले जी मैडम।
डॉक्टर गीता कुमावत जी पूछ रही है कि सलाद के बारे में बताइए सर, ये ले सकते हैं या नहीं? सलाद के बारे में ये है कि मैडम बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो जैसा कि है कि प्रॉपर रूप से सर आवाज आनी बंद हो गई डॉक्टर इंद्रा। हेलो कोई भी पार्टिसिपेंट्स एक बार चैट बॉक्स में मैसेज डालिएगा, आपकी तरफ आवाज आ रही है क्या? हेलो हाँ जी, बस वो थोड़ा सा आवाज सब कट हुई थी, फिर से एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को भी आवाज नहीं आ रही और हमारी तरफ भी नहीं आ रही जी। मैडम सलाद का अपने भोजन में प्रयोग होना ही चाहिए, सलाद अपने लिए भोजन में बहुत जरूरी है, लेकिन सलाद को अपन प्रयोग में कैसे ला रहे हैं, ये कोई भी सलाद अपन में काम में ला रहा है जिसको अपन का छिलका अगर अपन ने नहीं बिना उतारे काम में ले रहे हैं तो छिलका उतारने से पहले उसको पूरा क्लीन करना है या फिर आप उसको छिलका उतारिए तभी वो क्या है कि उसके प्रॉपर बेनिफिट अपन को मिल पाएंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक अपने पास ये रहता है, जैसे अपन लोग वो खीरा अपने काम में लेना है, एप्पल अपने काम में लेना है, तो उसको अपन प्रॉपर रूप से उसको वॉश आउट नहीं करते हैं, जिसके कारण जैसा मार्केट में लिया उसको जनरली वॉश कर दिया तो वो क्या है कि प्रॉपर रूप से उसकी अशुद्धियां दूर नहीं होती है और वो कहीं ना कहीं अपन जाकर के इंटेस्टाइन या कहीं अपन को दूषित करती है शरीर को और वो अपन को रोग उत्पन्न करता है जी। धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णपूर्ण के बारे में थोड़ा सा बताइए, डॉक्टर अर्शिया शेख ने पूछा है। जी कर्णपूर्ण भी अपन करवाते हैं मैडम, लेकिन यहाँ तो कर्णपूर्ण का इतना रूटीन लाइफ में मैंने कभी किसी को ऐसा कर्णपूर्ण के बारे में इतना बताया भी नहीं है, कर्णपूर्ण के बारे में इतना ज्यादा कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन मिला है आचार्य ने बताया, लेकिन कोई ऐसी डिजीज नहीं मिली की वजह से अपन को उसको कर सकें जी। मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कोई स्पीकर के माध्यम से ही मुझे पता चला था कि उन्होंने एक शेयर किया था, शायद डॉक्टर एनाटॉमी में वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है राष्ट्रीय संस्थान में, उन्होंने एक किया था कि उन्होंने सिद्ध संप्रदाय का बहुत अच्छा डिटेल में अध्ययन किया है और सिद्ध संप्रदाय में जो हमारा कर्ण बाहर से दिखता है बाह्य कर्ण है ना, बाह्य कर्ण की मालिश करने से भी वायुजन्य रोगों में अच्छा रहता है, तो आप करके देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे पेशेंट में बताया है और कहीं ना कहीं वात शमन की मात्रा बढ़ी है, तो बाह्य कर्ण मालिश स्नेह है ना, पूर्ण को नहीं स्नेह तो ऐसा उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलमणि फूल बेस्ट ऑयल कौन सा रहेगा फॉर डेली शुरू उपयोग के लिए और क्या ऑयल पर्सन की प्रकृति के हिसाब से भी वेरी करते हैं? चलो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि बेस्ट ऑयल सिरोपियन के लिए कौन सा लेना चाहिए और क्या प्रकृति के अनुसार उसको चेंज भी करें? भाई सामान्यतः जो शिरो अभंग में जो काम लेते हैं तो अपन तो ये नीली भृंगा की है, महाभृंगराज है, ये काम लेते हैं। मैडम मैं भी महाभृंगराज यूज कर रहा हूँ लगभग 2008 से बड़े जन्म रूटीन है। जी 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 ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके आगे पहले तो नहीं है क्वेश्चन, डॉक्टर पवन कुमार ने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम सर ने बोला है सुबह मॉर्निंग में योग के लिए संक्रमण के लिए बोला है, तो मॉर्निंग में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब होता है अगर अर्ली मॉर्निंग जाए, क्योंकि जो ऊपर आजकल इतना पोल्यूशन है, आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी हाँ जी
आजकल जो इतना पोल्यूशन है जो मॉर्निंग पूरे दिन का ऊपर गया हुआ वो डस्ट पार्टिकल जो फोग होता है उसके साथ नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और मॉर्निंग में तो उसका बहुत ही ज्यादा, अगर हम देखते हैं नेट पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉर्निंग में बहुत खराब होता है, उसके बारे में सर कुछ बताएंगे क्या? शहर के बारे में अमूमन यही देखा जो को एयर क्वालिटी इंडेक्स सूर्य निकलने के बाद ही थोड़ा ठीक हो पाता है वो, और उस टाइम हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए या नहीं? अच्छा जी, डॉक्टर थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब है, यहाँ लास्ट में भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया था, डॉक्टर साहब ने जो एक दो स्लाइड पूछी थी तो मैं उसके लिए थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे हम जहाँ रहते हैं, मुझे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का तो इतना पता नहीं है, मगर मैं जहाँ रहती हूँ जयपुर में तो सुबह का एटमोस्फेयर बहुत आला तक लगता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज तो इधर आ रही है ठीक से, मगर थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम नेट प्रॉब्लम के कारण उधर शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इस वजह से यहाँ का जैसे स्व अनुभूति वाला तो आह्लादक लगता है। अब सिटीज में पॉल्यूशन बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है ना, फैक्ट्रीज बढ़ी है, वो तो ठीक है मैडम, मॉर्निंग में लगता तो अच्छा है, पर वो अगर हम उसको देखें ना एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अकॉर्डिंग, नेट वही कह रही ना कि आप अगर उसके अनुसार जाना चाहते हैं तो मुझे नहीं पता है कौन सी सिटी में कितना है और क्या करना चाहिए, है ना, और हम शास्त्र का जो सिद्धांत है उसको बदलना भी नहीं चाहते, है ना, तो इसलिए मेरी आस्था संपूर्ण रूप से आयुर्वेद के सिद्धांतों में आप कह सकते हो कि अंधविश्वास है ना, तो आप कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ मेरा ज्ञान अल्प है और मुझे प्योरिटी एयर प्योरिटी इंडेक्स भी नहीं पता है ना, मगर स्व अनुभूति से जो पता चलता है वो मेरे लिए अच्छा है, और मैंने पेशेंट्स को भी जो बताया है, और जो तहसील या ऐसी जगह पे रहते हैं वहाँ एयर पोल्यूशन, ऐसा कोई पेशेंट को घूमने के लिए कहा उन्होंने घूमा और उनका रोग बढ़ गया ऐसा नहीं मिला है, है ना, जितने भी पेशेंट को कहा गया सभी को तो घूमने के लिए कह भी नहीं पाते हैं क्योंकि दिन भर में वो बेचारे बहुत सारे बिजी रहते हैं और उनका फिजिकल एग्जर्शन काफी हो जाता है, है ना, तो आप पर्टिकुलर जिस विषय में चाहते हैं ऐसे हमारे पास नॉलेज नहीं है, है ना, तो आप अपनी यथा युक्ति निर्णय ले सकते हैं आप। डॉक्टर अर्शिया आप कुछ पूछना चाहते हैं बेटा, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ मैम, एक सर से पूछना था कि वो गंडूस के लिए कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं? जी बेटा पूछती हूँ, एक्चुअली क्या उन तक आवाज नहीं जा रही है, डॉक्टर इंद्रजी अब तक आवाज आ रही है? हेलो आवाज नहीं जा रही है बेटा, कुछ है ना लास्ट में करना था, सारी लेक्चर अच्छी तरह हो गया वरना बड़ी दिक्कत की बात थी। If any question, yes, डॉक्टर इंदिरा जी ने एक ईमेल डाली है अपनी, आप उसको कॉपी कर लीजिए और रख लीजिए, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू ऑन मेल ऑल्सो, है ना, महेश महेश एन डी आर फोर, है ना, MEMESHNDR4@gmail.com, तो आप पूछ भी सकते हैं। और लास्ट वाला नवीन जी ने पूछा है, अच्छा पूछा नहीं है सिर्फ बताया है, नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जब आंखों में सुंदरता होती है तभी सुंदरता दिखती है, तो प्रशंसा के लिए धन्यवाद। बट मैं कहना चाहूंगी कि ये व्याख्यान माला मैं हमेशा आप लोगों को कहती रहती हूँ कि जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इस वजह से कई बार इसमें स्टूडेंट जैसा ही भाव ज्यादा आता है मुझे, मगर बहुत विद्वान लोग ज्वाइन करते हैं इसको, तो ये मेरे स्टूडेंट्स जैसी एज वाले लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि हमारी व्याख्यानमाला का उद्देश्य है बहुत अच्छे वैद्य निर्माण करना जो वो आयुर्वेद की बहुत अच्छी सेवा करे, आयुर्वेद को आगे बढ़ाए, और कहीं ना कहीं आयुर्वेद का सबल पक्ष भारत के समाज के सामने रखे। मगर इससे भी एक बड़ा उद्देश्य है जो शायद ही किसी बार मैंने 411 लेक्चर में बोला है, आज मैं रिपीट करती हूँ, इस व्याख्यानमाला का उद्देश्य है बहुत अच्छा इंसान बनाना, बहुत अच्छा
भारतीय व्यक्ति बनाना जिसको इस देश पे, संस्कृति पे और आयुर्वेद की परंपरा पे बड़ा एतमार हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो और वो एक बहुत अच्छा इंसान हो। क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ, मेरे गुरुजनों ने, मेरे एल्डर्स ने मुझे सिखाया है कि एक अच्छा इंसान अच्छा पिता होता है, अच्छा पुत्र होता है, अच्छा पति होता है, अच्छा दोस्त होता है और अच्छा डॉक्टर तो होता ही होता है, है ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस व्याख्यान माला के माध्यम से, इसीलिए इसमें कोई शुल्क नहीं रखा है कि कभी न कभी अच्छी लौ जलेगी, बहुत सारे लोग आयुर्वेद के प्रति समर्पित होंगे, आगे आएंगे और अपने अपने हिस्से का योगदान करेंगे। तो ऐसी उच्च भावना के साथ, कभी दो लोगों के साथ भी ये व्याख्यान माला चली है जब ऑफलाइन चलती थी, और कभी मैंने 102 टेम्परेचर में भी लेक्चर लिया है बैठे बैठे, वरना मैं बैठ के नहीं बोलती हूँ, मगर उस दिन मुझे कोई स्पीकर नहीं मिले तो मैंने ऐसे भी लिया है। तो बस यही है कि हम आगे आए और अपना कर्तव्य पालन करें, हम आयुर्वेद के लिए डेडिकेट हो, हम सिद्धांत को खुद अपने जीवन में अपनाएं, लोगों को कहें। तो ये सबसे बड़ा हम आयुर्वेद के स्नातक या स्नातकोत्तर या पीएचडी जो भी हम अध्येता है या हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो हम ऐसा आयुर्वेद के लिए करें, बस इतनी सी इच्छा है। और ऐसा ही आप सब में से बहुत सारे लोग आगे आएंगे, और मैं कहना भी चाहूंगी कि बहुत सारे इसमें जो डॉक्टर्स है जो नियमित रूप से जुड़ते हैं, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर अर्शिया, डॉक्टर भुवनेश जी तो हमारे स्पीकर इमरजेंसी वाले है ही, डॉक्टर चंद्रकला है ना, डॉक्टर शशि जी, डॉक्टर गीता कुमावत है ना, ऐसे डॉक्टर मुस्कान, डॉक्टर नीलमणि जी है ना, बहुत सारे ऐसे, सबके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, मगर बहुत सारे लोग नियमित रूप से जुड़ रहे हैं और यही एक बहुत बड़ी चेतना है आयुर्वेद के लिए। और मुझे लगता है कि जैसे देश के अच्छे दिन आए हैं, ऐसे आयुर्वेद के भी अच्छे दिन आएंगे और हम सब मिलके आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करवा सके और इसका सही महत्व लोगों के सामने आ सके। और बहुत बहुत धन्यवाद आज के स्पीकर का, मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि जैसे कोई भी औषध जब आपको ऐसा लगता है ना कि आपने सोचा था इतना काम होना चाहिए और वो नहीं हुआ, तो मैंने बहुत सारी चीज तो इसमें से अप्लाई नहीं करी है, मगर जो मैं एक व्यायाम है उसको अप्लाई करती हूँ। मैं पेशेंट को कहती हूँ कि घुटने अच्छे हैं, नी जॉइंट अच्छा है, तो आप थोड़ी रनिंग करिए, सांस फूल जाती है तो बीच में वॉकिंग करिए, थोड़ी सी ब्रिस्क वॉकिंग करिए, रनिंग नहीं हो सकती है तो, और रनिंग भी नहीं हो सकती, ब्रिस्क वॉकिंग भी नहीं हो सकती तो चलिए सिर्फ, क्योंकि बहुत सारा अच्छा परिवर्तन होता है जब औषध के माध्यम से परिस्थितियां काबू नहीं आती, कोई लक्षण से निजात नहीं मिलती, तो व्यायाम दोष का क्षय करता है, दोष मानी जो परिस्थितियां डिविएट करता है, विशेष करता है, है ना, दुष्यति इति दोषः, हम सभी जानते हैं। तो मेरा ऐसा आकलन रहा है। और मैं जो दो चीज मुझे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया लगता है, मैं बहुत बार एचओडी मैम दुर्गावती जी को कहती हूँ कि मैम जामनगर में है ना संस्कृत में पीजी होती नहीं थी तब, वरना मैं संस्कृत से ही करती, तो उसमें से मैं एक चीज जो बताती हूँ कि सुबह सूर्योदय से पहले उठना, रात का खाना सूर्य अस्त होने से पहले, बस ये एक चीज भी हो जाएगी ना आपके पेशेंट में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेगा। ऐसा मैंने स्वयं मेरे बहुत सारे पेशेंट में किया है, ये इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन है। और आप सोचिए कि अगर मेरे पास समय होता और आज कितनी अच्छी साइंटिफिक इवोल्यूशन के साथ दिनचर्या के कितने सारे उपकरण बताए गए जिसमें मॉडर्न के साथ भी मिला के, और आप सोचिए कि जो नोबेल प्राइज है वो ब्रह्मा मुहूर्त उत्तिष्ठ उस शब्द पे मिला है, उस सिद्धांत पे मिला है। बहुत सारे जो विद्वान लोग अनेक लेक्चर्स में बोलते हैं उनके कहने के अनुसार ये है कि पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स में लाखों आर्टिकल्स, हजारों नहीं लाखों आर्टिकल्स ऐसे हैं
जो आयुर्वेद के सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आइए हम सब मिलकर आयुर्वेद को आगे बढ़ाते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं कि उसमें कितनी ज्यादा विशेषता है। और मुझे लगता है कि अपने महर्षियों के द्वारा निर्लिप्त भाव से, रजतम से मुक्त होके जो आयुर्वेद लिखा गया, तो उनको हक है कि बहुत अच्छे फॉलोअर्स मिले उनको, है ना। आप सोचिए कि हम महर्षि होते तो हमें कितना बुरा लगता, कि मुझे तो पक्का लगता है ना कि देख ले इतनी अच्छी साइंस लिख के गई हूँ मगर इनसे तो फॉलो भी नहीं होती, मुझे बुरा लगता, मैं सही कह रही हूँ, है ना। तो मैं बहुत सारे निर्णय जिंदगी में ऐसे लेती हूँ आत्मवत सर्वभूतेषु पश्यन्, जो मुझे बुरा लगेगा वो दूसरे को पक्का बुरा लगेगा, तो मैं वो नहीं करती हूँ उनसे उसके साथ। तो मैं चाहती हूँ कि हम ऋषि मुनियों को प्राउड करने का मौका दे कि कुछ गलतियां हुई, हम नालंदा तक्षशिला नहीं बचा पाए मगर आज हमारे पास चरक संहिता है ना, लघुत्रयी बृहत्त्रयी काश्यप भृगुहरि है, और उसमें जितना लिखा है जब भी हमें मौका मिलेगा हम खुद फॉलो करेंगे और हमारे पेशेंट्स को उसके बारे में बताएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रयत्न हमारे ऋषि मुनियों की आत्मा को बहुत अच्छा लगेगा और वो हमें और ब्लेसिंग्स देंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो डॉक्टर महेश इंद्रा जी आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत सारे स्वस्थ व्रत के फैक्टर्स को और पॉइंट्स को आपने मॉडर्न इवोल्यूशन के साथ बहुत अच्छी तरीके से बताया, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसको फॉलो करेंगे और कहीं ना कहीं ये 411 लेक्चर अनेक विद्वानों के समर्पित भाव से ये नंबर आता है उसको चरितार्थ करेंगे, उसको आगे उपयोगी बनाएंगे। तो और ये आयुर्वेद की ज्योत हमेशा जलती रहनी चाहिए और एजुकेशन होती रहनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम जिस मान सम्मान और इसके अधिकारी है वो हमें मिलना चाहिए और वो कर्तव्य भावना से मिलेगा। और इसीलिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहती हूँ कि बेटा आइए हम अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करें, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हमारे ऋषि मुनियों को भी अच्छा लगेगा। पुनश्च आज के स्पीकर का, पूर्व के सारे स्पीकर्स का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि वो सभी लोग और डॉक्टर महेश इंद्रा समर्पित भाव से अपने ज्ञान को दे देते हैं, है ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे व्याख्यानों में देखा है कि जो मैं अनेक गुरुओं के पास 1.5-2 साल हर रोज के 6 घंटे खड़े होकर मुझे जो मिलता था, तो वो बहुत सारे स्पीकर्स ने यहाँ 1 घंटे में उनमें से बहुत सारी इंपोर्टेंट बातों को देने की कोशिश की है और हम उनके इस प्रयत्न को नकार नहीं सकते, क्योंकि दिल में बहुत अच्छापन होता है तब अपनी इतनी मेहनत से हुई मिली हुई चीज को देने का मन करता है, है ना। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि सभी का धन्यवाद और आज के स्पीकर का विशेष धन्यवाद कि आप यहाँ हमारे निवेदन पर आए और आपने बहुत अच्छी तरीके से ये सारे पॉइंट्स को क्लैरिफाई किया, और हम आपका पुनः तहे दिल से, अंतकरण से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे अंत में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रख कर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ अगले शुक्रवार को हम फिर से एक नया लेक्चर लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी अपने अपने हिस्से की प्रामाणिकता से कहीं न कहीं आयुर्वेद की सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्शिया शेख अगर है तो वो, उसने जो क्वेश्चन पूछा था वो उसका जवाब दे दो थोड़ा। अर्शिया, अर्शिया जी सर बता रहे हैं तो सर प्रणाम सर, और लोग सुन लेंगे।
नहीं, उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि मुख में कौन से तेल को धारण करें गंडूष में, तो कोई भी तेल जो घर में हम प्रयोग में लाते हैं वो कोई भी किया जा सकता है। जनरली हम लोग जब करते हैं तो सरसों का तेल है, तिल तेल है, इरी मेद आदि तेल है, और भी मुख पाक है तो जात्या आदि तेल है। तो ऐसे सभी तेलों का प्रयोग कर सकते हैं जिनको हम इंटरनली भी कई बार यूज करते हैं, बस्ती में यूज करते हैं, तो रोग के अनुसार हम कर सकते हैं। आवाज आ रही थी आपको? जी सर थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। नहीं, लास्ट टाइम पूछ चुके। कि हो जाएगा ना तब वो आएगा कि भाई किस नाम से सेव करना है, उसको रिटर्न होने दो 45-44 सेकंड से। नहीं, ये तो बाद में भी होता नहीं, नहीं 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 वो कहीं और कुछ ना हो जाए, वो चला जाए। एक बार ऐसे ही हुआ था ना, तो कुछ कर दिया फिर वो आया ही नहीं। तो एग्जाम जो भी है तो आज ही पूरे चेकिंग कर लेते हैं, टाइम नहीं रहेगा है ना। पापा ने टिकट करानी है 18 तारीख। नहीं, बंद कर दो, चिपका नहीं होता हूँ।